इतने सब्जियां अभी अभी खेत से तोड़ के लाके क्या किया मैं खा रहा हूँ ना, तो बोलने का मतलब इतना नेचुरल इतना ही है। अभी लोग आते हैं ना, नई नई कंपनियां लेके आते हैं, ये आते हैं बोलते हैं ये हमारे हम भी इनके जैसे, हम भी इनके जैसे, ये सप्लीमेंट ले लो वो सप्लीमेंट, अभी क्या बोलेंगे यार है ना, हम उसको क्या बोलना। शुरू में तो हम लोग तो बहुत टेंशन ही है ना, कुछ ग्रुप जैसा हमारे ग्रुप से बहुत टेंशन, मगर बाद में हम लोग समझ में आया स्ट्रेस लेने का, दुनिया में कितनी प्रतिशत बीमारी आती है, 87% बीमारी स्ट्रेस से आती है, टेंशन से आती है, टेंशन लेने का नहीं इंशाल्लाह ना। तो ये होता है ना, अभी मैं अगर बॉडी के बाद बात कर लूं मैं, तो हमारा बॉडी जो है ना, ये समझो हमारा बॉडी है, हमारे जितने कई कई करोड़ सेल्स है हमारे बॉडी में, मगर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि उससे 10 गुना ज्यादा हमारे बॉडी में अब सरफेस पे जर्म्स रहते हैं। क्या रहते हैं? बॉडी के अंदर भी जर्म्स रहते हैं और ऊपर 10 times ऑफ द सेल्स व्हाट वी हैव आवर बॉडी हैज। और वो जर्म्स ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए है ना, हेल्दी गट के लिए, हेल्दी बैक्टीरिया के लिए। तो अगर मैं बताऊं तो ये मोर देन, ये पूरा जो बॉडी जो भरा हुआ है ना हमारा जर्म से भरा हुआ, जर्म्स कोई खराब नहीं है, हेल्दी बैक्टीरिया, हेल्दी होना गट से लेके स्किन के लेके बहुत सारी चीज में रहता है। तो ये समझती है हमारी बॉडी। फिर उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर ये क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है 100% समझो ऑक्सीजन। आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाओ तो आपका 98-99% आएगा, हाँ, तो ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन को आप रूह बोल सकते हैं ना, वो बोल सकते हैं। तो इसके लिए भी बताऊंगी ऑक्सीजन को कैसा करना, इसके लिए लिम्फेटिक ब्रीदिंग आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 60-70% क्या रहता है, पानी रहता है। उसके बाद हमारे बॉडी में तकरीबन 18% प्रोटीन रहता है। उसके बाद 6% विटामिन मिनरल रहता है और 14% कार्बोहाइड्रेट फैट्स है ना, ये रहता है। मोटा मोटी हमारी ये 100% बॉडी। हम अगर ऐसे इसको समझ गए ना कि बैक्टीरिया को कैसे हेल्दी रखे, हेल्दी बैक्टीरिया को कैसे हेल्दी रखे, समझे ना, और पानी के लेवल को मेंटेन किए, रोज का हमको 10-12 गिलास क्या पीना चाहिए, हाँ एवरेज, ज्यादा पियेंगे तो भी अच्छा है, अनलेस एंटिल इफ यू आर हार्ट पेशेंट और यू आर हैविंग किडनी पेशेंट प्रॉब्लम, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लो, अदरवाइज 12-15 गिलास पानी हमको रोजाना पीना चाहिए है ना। और पानी के अंदर बहुत सारा डीप है, मगर मैं अगेन बताऊंगा नहीं, आप अच्छा पानी, फिल्टर पानी, अच्छा पानी पीजिए, दुआ कीजिए। एम्बे जो है ना, एम्बे का वर्ल्ड का नंबर वन वाटर प्यूरीफायर है, उसको बोलते हैं ईस्प्री। मेरे दोस्त हैं, मेरे डाउनलाइन है खालिद पटेल करके, लंदन में रहते, वो क्या बोलते मालूम है, बोले सरफराज भाई 99.99% वाटर की इंप्योरिटीज को क्लियर करता है ईस्प्री। मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी से इंडिया में आ जाए, बाकी कोई वाटर प्यूरीफायर इतना प्यूरीफाई नहीं करता है ना, मैं दुआ करता हूँ जल्दी से इंडिया में आ जाए, एटलीस्ट इंशाल्लाह वाटर बॉर्न डिजीज और दूसरी डिजीज उससे नहीं होगी और उससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि पानी से ही पेट सब गड़बड़ हो जाता है ना। तो वाटर प्यूरीफायर आप उसके बाद जो सबसे बड़ा है ना, ऑक्सीजन के बाद पानी, पानी के बाद 18% प्रोटीन है। अभी प्रोटीन में हम लोग बहुत डिफिशियंट है, ये बात आप लिख के ले लो, बहुत से डॉक्टरों को भी नहीं मालूम कि हम लोग प्रोटीन बहुत डिफिशियंट है ना। बदन का एक एक अंग कैसे बनता है, प्रोटीन से। आप कोई भी सेल्स ना, बाल के सेल्स ले लो, नाक के सेल्स, दांत के सेल्स, आंख के सेल्स, जो घुटनों के, हार्ट के, सब सेल कैसे बनता है, विदाउट प्रोटीन कोई भी सेल बनना पॉसिबल नहीं। इसके लिए प्रोटीन लेना चाहिए कितना, 1 gram per kg पर डे, यानी मेरा वजन अगर 65 किलो है तो मुझको 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए है ना। प्रोटीन अगर आप कंटेंट बढ़ाओगे ना तो फैट आपका ऑटोमेटिक कम होगा, तो प्रोटीन इज अ नेचुरल फैट बर्नर। मेरे पास जो मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर कैसा जमाल, मुझसे सिर्फ ऑल ग्राउंड प्रोटीन लेके जाते थे न्यूट्रिलाइट का, उनका टोन कम करने के लिए है ना। ये टोन अच्छी चीज नहीं, इतना समझ लीजिए है ना। जैसे मैं शक्कर के बारे में, मैं टोन से बहुत चिढ़ता हूँ है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी टोन थोड़ी होती थी, अभी बहुत बहुत कंट्रोल है माशाल्लाह। तो ये क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी यहीं से आती, सेंट्रल ओबेसिटी पैंक्रिया। हाँ अभी मैं कुछ लास्ट में को याद करना, डायबिटिक प्रोटोकॉल बताऊंगा मैं, क्योंकि डायबिटिक मंथ गुजरा है और बहुत सारे डायबिटिक का कैंपेन चालू है, इसलिए डायबिटिक प्रोटोकॉल बताऊंगा मैं जो खास मेरे रिसर्च से मैंने निकाला है। तो सेंट्रल ओबेसिटी हमको कम करना है ना, ये चीज को एक्सरसाइज है वो है ना, वो करना रहेगा, शुगर का लो फैट लो शुगर डाइट हमको लेना है, ठीक है। तो प्रोटीन हमको लेना है। अभी जो कैलकुलेशन के हिसाब से क्या पता चला है, एक नॉन वेजिटेरियन अपनी रिक्वायरमेंट का खाली 50% प्रोटीन खाता है, यानी अगर मुझको 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए रोज का, ये रोज की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं कितना लेता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं कितना 30-35 ग्राम मिल रहा है। आप कैलकुलेट करने का मुझको फिर टाइम नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेना या अपने अपने से करवा लेना, आपको पता चल जाए। तो मुझको बाकी का जो डेफिसिट है वो भरना पड़ेगा, नहीं पड़ा पड़ेगा। अभी ये समझाने के लिए मेरे को अगेन वाटर पे आना पड़ता है। हमको 12 गिलास पानी रोजाना पीना चाहिए, हम अगर 8 गिलास पीते तो कितने गिलास का डेफिसिट आ रहा है, 4 गिलास का। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन गैप। हाइड्रेशन गैप आएगा तो आगे चल के पथरी है, बवासीर है, यानी पाइल्स है, एसिडिटी है, अल्सर है, बाल झड़ना है, स्किन पे झुर्रियां आ जाना, रिंकल्स आ जाना है ना। ओबामा की वाइफ जब इंडिया में आई थी, इंडियन वुमन को बोले एक टिप दी थी उसने कि आप लोग पानी ज्यादा पिया कीजिए, समझे ना। तो हाइड्रेशन गैप से प्रॉब्लम आएगा। अभी मेरे पास उस दिन एक वो आया, बोले ऐसा कुछ कैप्सूल निकलना चाहिए जिसमें एक कैप्सूल में 4 गिलास पानी आ जाए, बोले पेट में जाएगा, खुल जाएगा वैसा।
लोगों को पानी पीने बोले ना अभी, तो वो लोग क्या सोचते हैं अभी क्या हो, तो बिल्कुल हमको पानी का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन इसी में, इसी को ना प्रोटीन का गैप भरने के लिए हमको कम से कम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना चाहिए, है ना। वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा, मगर मैं बोलता हूँ फिर भी आप लोगे ना, फिर भी लेने के बावजूद 10 से 12 15 ग्राम गैप आएगा, उस गैप को भरने के लिए है ना न्यूट्रिलाइट का बनाए ऑल प्लांट प्रोटीन, उसको हमको कम से कम एक एक चम्मच दो टाइम लेना चाहिए। मैं मेरे भाई अशरफ है उनको मैं कंटिन्यूस बोला, मैं कंटिन्यूस लो, बीमार हो गए थे बीच में भी, कंटिन्यूस लो, इंशाल्लाह आपका वो पूरा न्यूट्रिशन गैप भरेगा। और वो भरने से क्या होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब न्यूट्रिशन गैप भर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप, हाँ प्रोटीन के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं महंगा है, सस्ता है, ऐसा है, वैसा है, मैं बोलता हूँ मेरा कैलकुलेशन है, आपकी अपने भी आपको सिखाएगी कि न्यूट्रिलाइट के प्रोटीन के जितना सस्ता है ना मार्केट में कोई प्रोटीन ही नहीं, मतलब अगर आपको अगर कैलकुलेशन आता है तो 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 84 ग्राम 80 से 84 ग्राम मिलता है, मार्केट वाले कोई इतना नहीं देते। हमको चाहिए प्रोटीन, वो दूसरा कार्बोहाइड्रेट दूसरा शुगर डाल के देते, हमारे प्रोटीन में कोई शुगर नहीं है ना। इट इज, मैं बोलता हूँ आर्टिफिशियल कलर, शुगर तो बीमारी लाती रहती है, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर एडिटिव कैन कॉज एलर्जी अस्थमा इवन कैंसर, हमारे इसमें एक भी नहीं। और एमवे न्यूक्लाइड जो वर्ल्ड का लीडिंग ब्रांड है, वो ऐसे ही लीडिंग ब्रांड बना, पिछले 40-50 साल है उसको, उसका एक्सपीरियंस 1935 से उसका एक्सपीरियंस, न्यूक्लाइड दे आर पाइनियर्स, वहाँ से सप्लीमेंट की शुरुआत हुई है ना, उन्होंने उस टाइम से लेकर अभी तक उसमें एक भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। और हम लोग तो आजकल सब चीज़ में कलर, चाहे वो दवा मैं देता हूँ मेरे क्लिनिक से उसमें भी कलर रहती, लोग आते कफ सिरप लेके खांसी एलर्जी का सिरप लेना, आप उसमें देखो टार्टरजिन येलो कार्मेसिन ब्लू, अरे मैं बोला यार यानी जो चीज़ को के कारण के लिए ले आ रहे हो कारण कफ सिरप और पैदा करेगा। मैं थोड़ा सा मतलब ना डॉक्टरों के बारे में बोलूंगा विद डी रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर भगत वगैरह भी, तो क्या है मालूम है, देखिए आप बाहर जाओगे ना यूरोप वगैरह में तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन दवाएं बैंड है, मालूम कि नहीं आपको, यानी अभी जैसे आप यहाँ पे आप कॉम्बिफ्लेम ले लो तो कॉम्बिफ्लेम में क्या पैरास्टामोल प्लस ब्रूफेन, ये बाहर नहीं मिलेगी, आप बाहर लेना तो ब्रूफेन अलग लो पैरास्टामोल अलग लो, बस नहीं समझे। यहाँ पे डायबिटीज की दवा एक एक गोली में चार चार गोलियां रहती हैं, ये बड़ी बड़ी गोली उसमें चार चार गोली, आप पढ़ो बाहर बैंड इंडिया में चलता है, क्यों भैया क्यों चलता है, यहाँ नहीं चलना चाहिए ऐसा, है ना। मतलब मैं बताऊँ मैं पिल्स दैट किल्स, हाँ ये बुक पढ़ो आप पिल्स दैट किल्स, वो एलोपैथिक दवाएं जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, इमरजेंसी में जरूरत है हमको लेना, ऐसा नहीं लेने देने, मगर जो हिसाब से हम पॉप करते हैं ना उसको खाते हैं ना जरा भी अच्छी बात नहीं। द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएस इज कॉज बाय लीगलाइज प्रिस्क्राइब्ड एलोपैथिक मेडिकेशंस, है ना। तो घर में है ना मेरे खुद घर वाले यहाँ बैठे, आप उनको पता करो, उनको पूछो कि मैं कितना चिढ़ता हूँ अगर कोई लोग मुझसे एलोपैथिक दवा के बारे में बोलते हैं, बहुत चिढ़ता हूँ, बहुत जरूरत है आप लोग, और अननेसेसरी दवाएं खाना नहीं चाहिए, इतना डेंजर होती है, एक पैरास्टामोल आपके लीवर को लोड डाल सकता है, एक पैरास्टामोल। मेरी एक पेशेंट है उसकी माँ ने स्कूल डांट दी कुछ मोबाइल के बारे में डांट दी, है ना, सबक लेने का था, तो उसने 10 क्रोसिन खा ली और 10 क्रोसिन से लीवर डैमेज हो गया, ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट किया हमने, 30 लाख रुपया खर्चा आया, उसकी माँ ने लीवर दी उसको, है ना, और लीवर ऐसा है कि वापस रिग्रो हो जाता है उसकी माँ ने जो दी, मगर उसकी माँ को मेडिकेशन तकरीबन 8-10 साल लेना पड़ेगा, उसको तो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, क्या हुआ बताओ। तो पहली बात तो स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, है ना। दूसरी बात, अगर बच्चों को डांटना भी है ना तो प्यार मोहब्बत से डांटो, और कम से कम इतना कंट्रोल लेना चाहिए कि वो ये सब हरकत नहीं करें इंशाल्लाह, और खुदकुशी तो हराम, इतना ध्यान रखें अपना। तो बोलने का मतलब है ना कि एलोपैथिक दवाओं से हमको बहुत बचने का तरीका क्या है, अपना न्यूट्रिशन गैप पूरा करेंगे, दूसरे गैप पूरा करेंगे तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, है ना। आज के सेशन का हम लोग दूसरा नाम ये दे सकते हैं ना, हमको ऊपर वाले से दुआ करना चाहिए, ऊपर वाले हमको 3 लोगों से बचा के रखे, काली वर्दी वाले, खाकी वर्दी वाले और सफेद वर्दी वाले, तो कैसे बचाएंगे आपको। तो प्रोटीन हमको लेने में, तो उससे क्या हमारा प्रोटीन का गैप भरेगा वो लेंगे, उसमें कोई कलर नहीं फ्लेवर नहीं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट फैट हम लोग ऑलरेडी ओवरलोडेड रहते हैं, है ना, उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। मैं एक बात बताऊँ, मैं जैसे हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं ना वो अंदर जाके टूट के क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है, मालूम है आपको, हाँ। फिर जो फैट खाते हैं ना वो अंदर जाके क्या बनता है, फैटी एसिड, मालूम है। जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अंदर जाके क्या बनता है, शुगर, समझ रहे, ये लोगों को मालूम नहीं है। शक्कर वैसे तो हम बंद करते हैं मगर कार्बोहाइड्रेट हम लोग बहुत लेते हैं, है ना, खासकर अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम लोग बैठे रहना पड़ता है, ये करना पड़ता है, अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट ही बहुत समझ लो कि अंदर जाके टोटल शक्कर बन जाता है। मगर मैं प्रोटोकॉल के अंदर कुछ डिवाइड करूंगा, मैं कौन से कार्बोहाइड्रेट, जैसे फ्रुक्टोज जो है ना, जितने भी फल फ्रूट कार्बोहाइड्रेट है ना, दे आर बेस्ट, आप उसको बिंदास खा सकते हो ना, बशर्ते कि अगेन पेस्टिसाइड वगैरह देख के, है ना, उसको धो के, नहीं तो मैं बोलता हूँ क्विक कुकवेयर में उसको एक मरतबा वो करके आप ले लो तो एटलीस्ट उसका पेस्टिसाइड लेवल कुछ कम हो जाए ना, फ्रुक्टोज। तो
कार्बोहाइड्रेट फैट ऑलरेडी ओवरलोड रहता है हमको, उसको कम करना चाहिए, ठीक है, और वो करना प्लस ये कुछ फैट ऐसे होते हैं जो कि बहुत जरूरी है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 मैं बताऊं आपको, मैंने एक एमडी से सुना था कि तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा एलिमेंट्स को ये सुधार सकता है, बॉडी के अंदर कहीं भी गड़बड़ी है ना, इंशाल्लाह 1,00,000 से ज्यादा एलिमेंट्स को ओमेगा 3 सुधार सकता है। हाँ, इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्रेन। अच्छा, ये भी सुन लीजिए, कोई भी सेल विदाउट ओमेगा 3 भी नहीं बन सकता, जैसे मैं बताऊं प्रोटीन विदाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी एसेंशियल फैटी एसिड्स के बिना कोई भी सेल बन नहीं सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बनने की बात कर रहा हूँ, बनने के लिए ये लगता है, तो सेल वॉल रहती है ना उसके लिए ये लगता है, तो इसके ब्रेन है ना, हार्ट, सब चीजों में ओमेगा 3 लगता है, मेमोरी के लिए ले लीजिए आप, है ना, हेल्दी रहने के लिए, क्रॉन्स भी, बहुत सारे ऑटोइम्यूनिटी के लिए, तो ओमेगा 3 ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट है ना, ये भी हमको लेना चाहिए, 100 चम्मच प्रोटीन और एक ओमेगा 3 हमको रोजाना लेना चाहिए, वो हमारे गैप को, उस फैटी एसिड्स गैप को भरेगा, हेल्दी फैट है ये, इंशाल्लाह इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो सकते हैं ना, ब्लड प्रेशर के, ब्रेन के, स्ट्रोक के बहुत सारे चांसेस कम हो सकते हैं, हमको एज अ न्यूट्रिशन लेना चाहिए। लास्ट क्या बचा, हमारे बॉडी में 6% विटामिन और मिनरल रहता है ऑलमोस्ट, प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट्स, तो ये 6% जो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है विटामिन मिनरल्स एंड उसके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स। अभी मार्केट में तो आपको बहुत से विटामिन मिलने वाले मिल जाएंगे, है ना, इवन ओमेगा 3 मार्केट में मिलेगा, मगर क्यों न्यूट्रिलाइट का लेने का, वो उसमें ऐसा है कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है ना वो बहुत हाईली सेंसिटिव है ना, अनलेस एंड अंटिल इसमें टोकोफेरॉल ना डाला जाए, वो लेके नहीं लेके मतलब ही नहीं, उल्टा नुकसान कर सकता है। अभी ओमेगा 3 के अंदर टोकोफेरॉल इसे डालते ताकि उसको डिसइंटीग्रेट होने से और उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाए, है ना, तो बहुत कम कंपनियां जो ये सब चीज़ें ध्यान रखती है, वो लोग बोले खाली प्रोडक्ट है कैसे भी बेचना बेच दो। और ये भी बता दूं मैं आपको, ऑलमोस्ट मैं अभी क्लिनिक पे बैठता हूँ, ऑलमोस्ट ऑल द एलोपैथिक सप्लीमेंट्स आर मेड अप ऑफ नॉन ईटेबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिलाइट होने से नहीं, समझे ना, इसलिए मैं न्यूट्रिलाइट खाता हूँ ना, मैं ना दूसरी कंपनी से आप कंपेयर कर नहीं सकते, बहुत सारी वेस्टीज है ना, ये है वो है, कहीं कहाँ ला ही नहीं सकते। मैं बोलता हूँ अगर आप मुझको 100 डब्बा भी पेडियाश्योर दोगे ना तो शायद मैं उसको फेंक दूँ, मेरा एक किड्स ड्रिंक मेरे बच्चों के लिए काफ़ी है, बस इतना फिर विटामिन मिनरल्स के लिए डेली जो गोली आती है न्यूट्रिशन की, ये गोली हमको लेना चाहिए, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स और 5 जात के उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अभी फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है, दे आर वो मार्केट के किसी में भी नहीं मिलेंगे। अभी मैं जैसे वो तो आप सब जानते हो कि सर्दियों में हम लोग कपड़े पहन लेते हैं ना, प्लांट बेचारा कैसा है, उसको थोड़ी कपड़े पहनता है, कितनी भी बारिश, हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे वहाँ प्लांट वैसे ही खड़े, कोई कंबल की जरूरत नहीं उनको, है ना, तो रिसर्च किए लोगों ने, बारिश में प्लांट खड़े रहते, धूप में प्लांट खड़े रहता है ऐसे, तो रिसर्च किए कि भैया क्या है उसके अंदर, तो रिसर्च के बाद पता चला कि उनमें कुछ ऐसे फाइटो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट की इम्यूनिटी को मजबूत रखते हैं, है ना, तो वो प्लांट की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए वो फाइटो फैक्टर्स जिसको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स होना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए प्लांट जो है ना हमको जो हम खाते हैं प्लांट वो ऑर्गेनिक होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। हमको WHO क्या बोलता है, रोज का 5 से लेकर 9 जात का फ्रूट और 3 से लेकर 5 जात की सब्जियाँ लेना चाहिए। हाँ, वो शर्त क्या लगा दी उसके अंदर, कैसे होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए और ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब एक भी केमिकल उसपे इस्तेमाल नहीं होना, इसका मतलब हमको हमारी खेती बाड़ी आमिर खान ने बताया था ना सत्यमेव जयते, मैं आज से कुछ साल पहले बताया था कि इतने सारे पेस्टिसाइड ये हो गए, तो बोले आप हो सके तो आप अपना कुछ जो खाने पीने की सब्जी खुद उगाओ, तो हमें पॉसिबल है क्या, नहीं, हमको तो जो है वही खाना पड़ेगा ना, तो उसमें पेस्टिसाइड वगैरह भी रहते हैं सर। तो 5 जात का फ्रूट्स और कैसा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा मतलब फ्रेश नहीं, ताज़ा मतलब इंग्लिश तो देखो भी आती है, ताज़ा मतलब अभी अभी मैं तोड़ा, तोड़ने के 2 घंटे से 12 घंटे कहाँ गए, पेट में है, पॉसिबल है क्या, नहीं, इसलिए चुप जाओ हमको ये खाने कॉमन सेंस, क्योंकि यकीन मानिए ना ज्यादा आर्ग्यू करके मतलब बहुत से डॉक्टर्स, मैं भी पहले नहीं समझता था इतना ध्यान, डॉक्टर आर वेरी हार्ड नट टू क्रश, है ना, जैसे हमको प्यार बहुत से हमको समझा, है ना, जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आपको मालूम है, वो तो प्रॉब्लम है अपने को कुछ लेने का, उनको ही पता, तो डेली ये गोली लेना था। प्लस उसके बाद मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट न्यूट्रिएंट में प्रोडक्ट है ना वो क्या है, CSV, यस, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एमवे बहुत कम चीज क्लेम करता है, इसमें ये क्लेम करता है कि अगर आप 2 गोली खा लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जो कि मैं बिना नागा रोज खाता हूँ, मेरा 12-11 साल का बेटा है, बिना नागा रोज देता हूँ मैं, श्रवण जी हम लोग मदुराई में थे, मैंने देखा इनके डब्बे में बराबर ना विजन हेल्थ ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, गलती से आपने छोड़ दिए तो मेरे पास आ गया, तो बोलने का मतलब है ना कि फ्रूट वेजिटेबल ये ऐसा है। अभी देखिए मैंने क्या बताया, जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारी आती है ना उसका जो जड़ का कारण है ना वो है ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन को अगर मैं कॉमन जमाने बताऊँ ना तो आग लगना, क्या लगना, आग लगना, है ना,
ये आप टोटल टाइम बता रहे हैं अभी टोटल ना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन है रेडी रेडी रखो है ना, आप इनके साइड आप ले लेना क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। और आग लगना, अभी आग बुझाने के लिए बहुत सारी चीज रहती है ना, पानी रहता है, कंबल रहता है ना, रेती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो पानी के हिसाब से हमारे पास नेचुरल सी है, विटामिन ई है, ओमेगा 3 है, सब अलग अलग है, मगर एक ऐसी चीज है जो सारी चीज को बुझा देती है, सारी आग को बुझा देती है, वो क्या है? सीएफए, कॉन्सेंट फ्लोरस वेजिटेबल। अगर ये आप लेंगे ना इंशाल्लाह, मैं बोलता हूँ बीमार पड़ेंगे नहीं। मेरा अभी लास्ट का मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर पास जाते हैं। मैं आज आपको खुशखबरी देता हूँ कि ऊपर वाले ने आपके बॉडी में और मेरे बॉडी में ऑलरेडी एक डॉक्टर दिया हुआ है। आशा भाई ये बात मालूम है आपको? अभी आप सुन लीजिए, आपके बॉडी हमारे बॉडी में एक डॉक्टर है, ऑलरेडी है। तो डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? रोग प्रतिकार शक्ति, क्या बोलते हैं? हाँ, कुव्वते मुदाफियत, या इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी, है ना। इम्यूनिटी ये हमारे बॉडी में, ये क्या कर, अभी मिसाल कैसे देता हूँ मैं, एक फीमेल मॉस्किटो है, उसने एक घर में एक को काटी, उसको मलेरिया हो गया, मच्छरनी ने, दूसरे को काटी अलहमदुल्ला उसको मलेरिया नहीं हुआ, बताओ क्यों? इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि दूसरे का जो इम्यूनिटी था ना वो इतना मजबूत था कि बावजूद उसके के मलेरिया के जरासीम उसके बॉडी में गए, उसकी इम्यूनिटी ने उसके साथ उठ के क्या की? फाइट किया और उसको भगा दी या मार दी, जो भी है ना। तो सारा खेल किधर है? इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी होती क्या है और कहाँ पे होती है ना, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है डॉक्टर। मोर देन 70% जो इम्यून सेल्स है ना वो गट में होते हैं। कहाँ होते हैं? GUT, गट। इंटेस्टाइन यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, उसके अंदर 70% से ज्यादा इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। पुराने जमाने हकीम और बड़े बड़े वैद्य लोग बोलते थे कि पेट सही तो सब सही। तो हमारा आज का पहला मैंने क्या बताया, शुगर को आप घर से निकालना चालू करो। दूसरा क्या बता रहा हूं मैं, पेट को सही रखो। पेट को सही रखने के लिए जो पेट का किचन है वो क्या है, कोई बताएगा? लीवर। क्या है? लीवर को पेट का किचन बोलते हैं, है ना। पेट का किचन को सही रखो तो उसके लिए आजकल मैं खाना चालू कर दिया सर, मिल्क स्तर है ना, फिलीमरीन है उसके अंदर, हल्दी का कंपोनेंट है, मिल्क स्तर विद डैंडेलियन रूट, ये लीवर को मजबूत रखेगा। कोई भी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आता है ना, शुरुआत करो लीवर से। अब और साथ में फाइबर, साथ में फाइबर प्लस साथ में एक मैं क्योंकि और भी मेरे को प्रोबायोटिक्स चाहिए, उसमें फ्लोरा बीसी या फ्लोरा जेड एन सैशे आता है, FLORA ZN सैशे। अभी इंडिया में एमडे में आया नहीं है, वरना तो मैं ये करता, ये सैशे हमको लेना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सेल्स जो है ना पूरा हेल्दी हो जाए। जब हेल्दी हो जाएगा तो फिर लड़ने की शक्ति हमारी बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह हो जाएगा, जो मैं अशरफ तुमको दे रहा हूँ कैप्सूल की शक्ल में ना जो खा रहे हैं। तो बोलने का मतलब तो वो इम्यूनिटी को मजबूत करने का 4 गुरु मंत्र है। पहला गुरु मंत्र, हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, वादा करो सब एक्सरसाइज करोगे इंशाल्लाह। हाँ, कुछ नहीं तो घर में ही ना, बिना रस्सी का स्कीपिंग करने, बिना रस्सी का स्कीपिंग है ना, 100 मिनट सुबह समझ दो। हमारे घर में हम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है माशाल्लाह। तो जितने मुस्लिम भाई बहन नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है ना, दिमाग को जबान को पॉजिटिव रखना। तीसरा रेस्ट, जैसे लेकिन 8 घंटे आराम करना। और चौथा राइट न्यूट्रिशन, सही पोषक तत्व, बैलेंस डाइट, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है तो जो खाना खाने का उसके साथ 1 चम्मच प्रोटीन, 1 डेयरी, 1 ओमेगा 3 लेनी। अभी डायबिटिक जो प्रोटोकॉल है, क्वेश्चन ऊपर लेके आ गया, डायबिटिक प्रोटोकॉल क्या है? नंबर हमको ना, हम लोग स्ट्रिक्ट है कि इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और शिफाली कितने, इधर आ जाइए शिफाली, यहाँ समझ के पास आ जाइए। शिफाली है यहाँ पे? अच्छा आई नहीं हो, ठीक है। क्या होता है, क्या बोला था, डायबिटिक प्रोटोकॉल। अभी उसमें ना हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हिस्ट्री लेने का उसके बाद डिसाइड करना है। मैं आपको बताऊं, एज अ डॉक्टर बोल रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, डायबिटिक इज फुल्ली ट्रीटेबल है ना, जो उसके अंदर है ना मार्केट में डायबिटीज इज नॉट ट्रीटेबल। एक आदमी है डायबिटीज में हुआ, डायबिटीज के साथ बढ़ जाता है, सुने के लिए सुने आपने, तो डॉक्टर को जाकर फायदा क्या, खाली कंट्रोल करने के लिए तो क्या मतलब, डायबिटीज फुली ट्रीटेबल, मगर उसको हम लोग करना। तो पहला प्रोटोकॉल क्या है कि हम लोग ना उसको डिवाइड करते हैं कि उसका हम लोग बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, उसमें विसरल फैट कितना वो देखते हैं, फैटी लीवर सोनोग्राफी से पता करते हैं। उसके बाद अगर फैटी लीवर रहा तो एंटी फैट सप्लीमेंट डालते हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 है, फाइबर है, मिल्क क्रिस्टल वो देते हैं।